नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कैसे कंगना के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी अभी करी गई है बाय सम शिवसेना के नेता और सपोर्टर्स। एंड ये पुलिस कंप्लेंट इसलिए करी गई है क्योंकि कंगना ने कॉल आउट किया उद्धव ठाकरे जी को। जी हाँ, मैं उद्धव ठाकरे जी करके ही पुकारूंगी, बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी। मैंने देख लिया सोनिया गांधी के खिलाफ वीडियो बनाने से कैसे सीएम ऑफ राजस्थान ने अपने जो भी कांग्रेस के जूनियर आर्टिस्ट थे उनके द्वारा मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाई, फिर पुलिस को दो बार भेजा अहमदाबाद 12 घंटे के रोड ट्रैवल के बाद, और मुझे पकड़कर राजस्थान ले गए और वहां पर बूंदी के जेल में डाल दिया फॉर 30 आवर्स टिल आई डिड नॉट गेट बेल। तो मुझे पता है हाउ दिस पॉलिटिकल सेटअप वर्क, सो आई रियली डोंट वॉन्ट टू कॉल एनी वन विद डिसरिस्पेक्ट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। बट कंगना ने उद्धव जी को डिसरिस्पेक्ट से नहीं बुलाया, सिर्फ जी करके शब्द का प्रयोग नहीं किया, साथ साथ में उन्होंने आपके जगह तुझे करके कहा है। आई थिंक एनीबडी शुड बी ओके विद दैट काइंड ऑफ यू नो एड्रेस, क्योंकि भारत के अंदर तो कांग्रेस के जो अलका लांबा जैसे कोई फेमिनिस्ट महिला नेता होती है वो तो हमारे प्रधानमंत्री को नपुंसक से लेके आतंकवादी से लेके सब कुछ बुलाते हैं, मगर उनके खिलाफ कभी कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होती, ना ही उनका ऑफिस या घर तोड़ा जाता है। हमारे देश के अंदर लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीखते हैं, पुकारते हैं, ये बताते हैं लोगों को कि कैसे चिकन नेक को ब्लॉक करके नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाएगा, मगर ना उनके घर तोड़े जाते हैं ना उनका ऑफिस तोड़ा जाता है। मगर कंगना ऑब्वियसली जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात कर रही थी। शी वॉज एंग्री विद मुंबई पुलिस, शी वॉज एंग्री विद शिवसेना, विच एवरीबडी हु इज अ सुशांत सिंह राजपूत सपोर्टर इज एट प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ द वे जिस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडल किया। मगर उसके बावजूद आप एज अ नेता, एज अ गवर्नमेंट सरकारी सर्वेंट, यू नो कंगना रनावत नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, एक यू नो पद्मश्री विनर को यू नो लिंचिंग की धमकी दे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, आप ऐसा कर सकते हैं शिवसेना के पॉलिटिशियंस? फिर आप जाके उसको यू नो कैस आप जाके उसके ऑफिस के डिस्ट्रक्शन को अपने सामना के पेपर के अंदर उखाड़ दिया करके राइट अप कर सकते हैं संजय राउत जी, बिकॉज आप शायद एडिटर है सामना के, फिर आप अपना यू नो स्टैंड बदल देते हैं ये कह के कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब था, मगर आप ऐसा करते हैं और आपका ये दोगलापन दिखता है। तो शिवसेना आप एक बहुत खुंदस वाली पार्टी है, आपने जो किया कंगना के साथ वो एकदम गलत है। Obviously, she is, you know, rich enough to hire, you know, 20 lawyers and sort out your shit, because यहाँ पर आपने उसका नुकसान किया about, you know, damaging her office property, जबकि उसकी office property वो कह रही है is built legally, there is no illegal construction, and she can get even compensation from BMC if she proves that in the court. So this thing that you have done is going to really cost you a lot, because आपकी सरकार अब नहीं गिरेगी, कभी ना कभी तो गिरेगी, मगर ये जो incident हुआ है has left a bad taste in the mouth of all the people जो आपके father यानी बाला साहब ठाकरे को blindly support करते थे। साथ साथ में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कंगना के इस सपोर्ट को, कंगना के इस यू नो ऑफिस ब्रेकडाउन को कुछ बॉलीवुड की बिम्बोज ने सपोर्ट किया है ये कह के कि ओ माय गॉड कंगना के साथ जो हुआ अनजस्ट हुआ, बट द मेजर सुपरस्टार लॉबी हैज नॉट सपोर्टेड दिस ब्रेकिंग डाउन डिमोलिशन ऑफ कंगनास ऑफिस। ये दिखाता है कि ये लोग कितने दोगले हैं। अगर कंगना की जगह दीपिका पादुकोण का ऑफिस टूटा होता तो ये लोग अब तक रोड पर आ गए होते, कैंडल लाइट मार्चेस कर रहे होते। तो इनका जो सिलेक्टिव आउटरेज है ये तो हम सबको अभी तक पता चल गया होगा। अब आगे बात करते हैं, रिया चक्रवर्ती के वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर शी इज हुकोइंग अ सिगरेट एंड दैट सिगरेट इज अ रोल सिगरेट, मींस इट इज अ ड्रग्ड सिगरेट। तो ये वीडियोस वायरल होने के बाद लेट मी सी फेमिनिस्ट क्या कहती हैं इन सपोर्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती, क्योंकि स्वरा जैसी ऑब्वियसली ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता तो वो भी जेल जाता। हाँ, अगर वो जिंदा होता स्वरा भास्कर तब वो जेल जाता, वो जिंदा नहीं है और उसकी मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो अपने आप को एक मदर फिगर की तरह प्रमोट कर रही थी वो एक्चुअली उसको ड्रग्स भी एडमिनिस्टर कर रही थी और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी एडमिनिस्टर कर रही थी, इलीगल एंड प्रिस्क्रिप्शन, और इसके सबूत अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। तो आप लोग जो रिया के खिलाफ जो ना हम लोग जो बोलते हैं उसको यू नो कहते हैं कि हम लोग साइड्स ले रहे हैं, हम लोग साइड्स नहीं ले रहे, हमें समझ पड़ गया है कि रिया चक्रवर्ती ने बहुत योगदान दिया है टूवर्ड्स अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि यहां पर कोई इंसान जो कंप्लीटली सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंस से लेकर डॉक्टर अपॉइंटमेंट से लेकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था
वो उसको ड्रग्स भी दे रहा था, इलीगल ड्रग्स, साथ साथ में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी दे रहा था। देर आर लॉट्स ऑफ साइड ऑफ रिया चक्रवर्ती और ये सारे साइड्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, मगर उसके बावजूद भी आप अंकिता लोखंडे को टारगेट करेंगे, रिया चक्रवर्ती को नहीं, तो दिखाता है कि आपका दोगलापन कितना है। अंकिता लोखंडे इज नॉट सम न्यू कमर जो ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड के नाम से फेमस होती है, शिवानी डांडेकर। शिवानी डांडेकर, नोबडी नोज यू एक्सेप्ट दैट यू आर फरहान अख्तर न्यू यंग गर्लफ्रेंड, ठीक है। एंड ही डम्प्ड हिज वाइफ अदुना अख्तर बिकॉज ऑफ यू और नॉट बिकॉज ऑफ यू, आई डोंट वांट टू गेट इन द जोन, मगर शिबानी डांडेकर आप ना कोई बड़ी कलाकार है ना सिंगर है, आप सिर्फ फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड के नाम से जानी जाती है। और अब आप बैठ के कह रही है कि अंकिता नीड्स योर यू नो 2 minutes ऑफ फेम बाय टारगेटिंग रिया। शी नेवर टारगेटेड रिया इन द फर्स्ट प्लेस, रिया टारगेटेड हर इन ऑल द इंटरव्यूज। आई एम नॉट बेस्ट फ्रेंड्स विद अंकिता, आई हैव इवन क्वेश्चन्ड हर जब वो हाउस की बात आई, मगर यहां पर आप दिखा रही है कि आप कितनी अंधी है रिया के प्यार में, बिकॉज आप भी गोल्ड डिगर है जैसे रिया चक्रवर्ती है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। राधिका मदन, या शी इज सम टेलीविजन एक्ट्रेस जो आजकल फिल्में करती है, शी हैज बीन यू नो लकी इनफ टू गेट विशाल भारद्वाज एज हर गॉडफादर। जी हाँ, विशाल भारद्वाज इज हर गॉडफादर। तो दिस राधिका मदन इज ऑब्वियसली सेइंग कि हम रिया का समर्थन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द काइंड ऑफ ऑनलाइन अब्यूज शी इज गोइंग थ्रू, ठीक है। तो आप ऐसा समर्थन फॉर ऑनलाइन अब्यूज करिए फॉर मैन ऑल्सो हु गो थ्रू अ सिचुएशन लाइक दिस इन देयर लाइफ, बिकॉज मीडिया ट्रायल पुरुषों के साथ भी होता है। देन वी विल ऑब्वियसली लर्न टू लिसन टू योर गार्बेज, बिकॉज आप लोग सिर्फ सिलेक्टिवली रिया के समर्थन में आए हैं, आप लोग कभी भी पायल के समर्थन में नहीं आए, कभी भी कोई पुरुष के समर्थन में नहीं आए जिनको ऐसे फेक केसेस, जो एक्चुअली फेक केसेस प्रूव हुए हैं उनके तहत भी मीडिया ट्रायल दिया गया है और रियल केसेस के तहत भी मीडिया ट्रायल दिया गया। जी हाँ, सम ऑफ देम आर इन द जेल। आसाराम बापू इज इन जेल, his evidence has been proved in the court of whatever POXO Act requires. तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हम कह रहे हैं कि रिया इज नॉट बेगुना और रिया इज एक्चुअली गिल्टी, हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, मगर आपका जो सिलेक्टिव आउटरेज है ओवर मीडिया ट्रायल ओवर रिया चक्रवर्ती, दैट इज पिसिंग अस ऑफ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इतनी दूध की धूली नहीं है। अभी उसके खुद के वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर वो ड्रग्स का सेवन कर रही है। आई एम जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द फेमिनिस्ट टू जस्टिफाई कि एक सिगरेट फूकना तो इज परफेक्टली ओके, क्योंकि विकास गुप्ता जो लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस के मालिक है, ही इज अ पर्सन जिन्होंने बिग बॉस भी किया था, उन्होंने भी अब अंकिता लोखंडे के यू नो फेवर में एक वीडियो बनाया है एंड ही इज बीन वेरी ओपनली टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। काम्या पंजाबी इज टॉकिंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, यू नो ब्लेटेंटली सेइंग कि भैया सिगरेट जो ड्रग से भरी हुई है उसे फूकना इलीगल है, तो आप लोग एक ड्रग एडिक्ट का समर्थन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब नगमा जी जो कांग्रेस से है वो कहती है कि मुझे टिप्पणी देनी चाहिए ओवर राहुल महाजन ड्रग यूज। आई डोंट रियली हैव टू गेट इनटू दैट जोन बिकॉज राहुल महाजन एंड हिज ड्रग अब्यूज एंड हिज ड्रग ओवरडोज इज अ पब्लिक नॉलेज टू एवरीबडी। आई एम जस्ट टेलिंग यू नगमा जी, बिकॉज यहां पर मैं ना बीजेपी से हूं, ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं कोई और पार्टी से हूं। सो राहुल महाजन का जो ड्रग कनेक्शन था उसके ऊपर तो आई थिंक हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट हाँ, अगर आप मुझसे नाम चाहती हैं और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहती है, देन एवरीबडी नीड्स प्रोटेक्शन, बिकॉज ऐसे हम कैसे बड़े बड़े नाम ले सकते हैं एंड पुट आवरसेल्व्स इन अ जेपॉडी, जहां पर आप देख रहे हैं कि कंगना के साथ क्या हुआ जब उसने बोला कि वो नाम लेगी इफ शी इज गिवन प्रोटेक्शन एंड दैट नाम विल expose the drug mafia in Bollywood. तो यहाँ पर नाम तभी लिए जाएंगे जब सबको protection मिलेगी, otherwise कोई नाम नहीं लिए जाएंगे ऐसे public platform पर, क्योंकि हम legally फंसना नहीं चाहते हैं। अब this is all I want to say. कंगना के खिलाफ police complaint was wrong. Shivsena is behaving like a spoiled brat. आप अभी तो अपना term खींच लेंगे, but it is really really sad. I don't think you're going to be voted back to power if this is the way you deal with your citizens who do not agree with your policy. नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।